नमस्कार दोस्तों, किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के बी राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 8 अप्रैल दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपके भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। आज की तिथि है अमावस्या। आज का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होंगे 6:02 पे। सूर्यास्त होंगे 6:43 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है 11:57 से 12:48 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है 3:20 से 4:11 तक। दोस्तों आज आपका लक्की नंबर है 1 और लक्की कलर है लाल और मेरून। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य के नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, पार्टनर से बहस के बाद कभी ना करें ये 3 गलतियां, बिगड़ जाएंगे रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, कपल के बीच बहस समय के साथ शांत हो जाता है, लेकिन अगर कोई कपल स्वयं को याद दिलाता रहे कि उनके बीच बहस क्यों हुई तो इससे बहस खत्म नहीं होगी। इसीलिए यदि आप किसी बहस को खत्म करना चाहते हैं तो इस बारे में बात ही ना करें। अगर आप विवादों को निपटाने और शांति स्थापित करने का इरादा रखते हैं तो इसे दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि कई बार झूठी भावनाएं सामने आ जाती हैं और फिर नई बहस शुरू हो जाती है। दोस्तों विवाद सुलझाने में जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं। अगर किसी गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही है तो अपने पार्टनर को शांत होने का मौका दें, बातचीत से समाधान निकालना सही रास्ता। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों कुछ समस्याएं आएंगी, परंतु आपको उचित मार्गदर्शन मिलने से समस्या हल भी हो जाएंगी। विद्यार्थियों के अध्ययन अथवा अनुसंधान संबंधी कार्यों में उचित परिणाम हासिल होंगे। घर में संबंधियों का आगमन होगा तथा आवभगत में सुखद समय व्यतीत होगा। इसी बीच आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी, जिस वजह से चिंता बनी रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें अथवा विपरीत विचारधारा के लोगों के संपर्क में कदापि ना रहें, इससे आपका मान सम्मान और धन प्रभावित हो सकता है। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस फायदेमंद स्थिति में रहेंगे, लेकिन खरीद बिक्री के मामले में बहुत सावधान रखने की जरूरत है। कोई भी कागजी कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक जीवन के लिए दिन अनुकूल नहीं होते हैं, इसीलिए सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित खर्चों की बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग कर सकती है। वहीं अगर आपका व्यवसाय संबंधित है तो आज आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्यवसाय के विस्तार के लिए ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर आपने हाल ही में किसी स्टार्टअप की शुरुआत की है तो आपको अपने प्रमोशन को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों
पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने कर्तव्य का पालन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आज आपके मन को खिन्न कर सकता है। इस स्थिति से निकलने के लिए सब्र से काम लें, क्योंकि आपकी हिम्मत आपके परिवार की हिम्मत है। परिवार में आने वाला उतार चढ़ाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है, इसीलिए आप मानसिक तौर पर स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और क्या बोलते हैं। आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, वहीं एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र रहेंगे। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से घरवालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान भी खराब हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में आप कुछ निजता की जरूरत महसूस करेंगे। अनुशासन सफलता की अहम सीढ़ी होती है। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको अपनी किसी भी व्यक्तिगत या प्रेम संबंधी बातें अन्य लोगों के साथ साझा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बहकर दूसरों को अपनी निजी बातें बता देते हैं, जो किसी तीसरे व्यक्ति को बुरी लग जाती है, और जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों आप काफ़ी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने किसी निजी दायरे में वापस आना होगा, जहां कोई झांक भी ना सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इसे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की। दोस्तों आप अपने सहकर्मियों के मुकाबले बेहतर काम कर सकते हैं। आप नए विचारों के माध्यम से अपने सीनियर्स को कार्य क्षेत्र में प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां दूर हो सकती हैं। आपके आर्थिक जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन आप इन चुनौतियों को स्वीकार करें और अपनी सूझबूझ के साथ इन्हें परिनिष्ठित करें। इसके लिए आप अपने दोस्तों और परिवार की सहायता ले सकते हैं। व्यापारियों को आज व्यापार करने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आज कदापि ना करें, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।